प्रीव्यू। आज रामनगर भाग की जो समस्याएं हैं वहाँ के रहवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी ने वो आवाज़ उठाई और हम यहाँ पे अनशन पे बैठे थे कॉरपोरेशन के सामने। हमारी मांग थी कि वहाँ जो ड्रेनेज की, रास्तों की और लाइट की समस्याएं हैं, वहाँ पे कई दिनों से फवारनी नहीं हुई है, स्वास्थ्य का धोखा पैदा हो रहा है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और वो सारी समस्याएं हल होनी चाहिए। उसके लिए हम अनशन पे बैठे थे, जिसके चलते कॉरपोरेशन के अधिकारी यहाँ आए, दीपक साहब, विष्णु साहब, और हमारे कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ हमारे गढ़ नेता रोशन कट्टा जी, जगन्नाथ काड़े जी और कांग्रेस पार्टी फैसल भाई, अजर भाई, ये सब यहाँ पे थे और सारे लीडर कार्यकर्ते। उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने कि ये समस्याएं 8 से 10 दिन के अंदर इसका निराकरण करके उस वहाँ काम शुरू हो जाएगा। उनकी बातों पर हमने विश्वास करते हुए यहाँ से फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी बहुत तीव्र आंदोलन पूछने का चांस ही नहीं।